गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत सा सुबह सिक्किम आरिटा गांव से, और यह है मेरा होम स्टे जहाँ पर मैं अभी ठहरा हूँ। तो कैसा ये होम स्टे, कैसा ये व्यू पॉइंट, सब कुछ इस वीडियो में आपको मैं इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। इस होम स्टे को कैसे बुक करोगे, इसका खर्चा कितना कम है, सभी इन्फॉर्मेशन गाइज इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, राइट। तो इस होम स्टे में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, रूम का कंडीशन क्या है, कैसे आओगे, अगर ये जानना चाहते हो ये वीडियो फर्स्ट से लास्ट तक देखो। पहले मैं बोल देता हूँ कि ये जगह का नाम क्या है। जगह का नाम है दोस्तों आरिटा, राइट। ये एग्जैक्टली सिक्किम गैंगटॉक शहर से थोड़ा सा दूर है, एक थोड़ा सा ऑब्बिट ट्रेवलिंग के लिए मस्त मस्त जगह है। जस्ट लुक एट द सीन, पूरा लोकल जो सिक्किम के वासी है ये सब यहाँ पर गाँव में रहते हैं, और एकदम यहाँ पर सामने तो अभी क्लाउड है। अगर क्लाउड नहीं रहता तो पूरा पर्वत का पूरा रीजियन आपको ऐसा दिखाई देता, चारों तरफ पहाड़ और यहाँ पर खूबसूरत सा ये जंगल, और सबके बीच में है ये खूबसूरत सा हम लोगों का ये जस्ट लाइक होम स्टे। तो ये होम स्टे का पूरा खर्चा सब कुछ बताने से पहले चलिए आपको हम लोग का रूम टूर करवाते हैं, रूम कैसा है। सो दिस इज आवर रूम, ये हम लोग का रूम। यहाँ पर देखो दो अच्छे खासे साइज का बेड यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर इनफ लाइट्स है, और सबसे बढ़िया चीज़ है यहाँ का जो नज़ारा। देखो यहाँ पर अगर आप सुबह सुबह बेड टी पीते पीते अगर आप बाहर देखोगे ना, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से बैल्कनी से आप यहाँ से कांच का ये जो पूरा खिड़की है, यहाँ से पूरा बाहर का खूबसूरत सा नज़ारा आप यहाँ से महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, किसी के साथ यू कैन हैव द चिल। तो लेट मी शो, यहाँ पर एक मिरर भी है, आईना में आप खुद को देख भी सकते हो। ओके दैट इज़ मी। और यहाँ पर मैं आपको वॉशरूम दिखा देता हूँ। वॉशरूम का कंडीशन ये देखो, वॉशरूम इज क्वाइट नीट एंड क्लीन, बहुत ही साफ सुथरा है, बहुत बड़ा है, शावर भी है, गीजर भी है, सब कुछ मिलाकर ये वॉशरूम का कंडीशन भी बहुत ही खूबसूरत है, राइट। सो ये तो हो गया रूम टूर, मैं मानता हूँ इट्स क्वाइट गुड। अगर आप बेसिक अगर एक्सप्लोरेशन चाहते हो कम खर्चे में, इससे बढ़िया जगह तो भाई हो ही नहीं सकता, राइट, इतना कम खर्चे में। खर्चा क्या है, नाम क्या है, कैसे आ सकते हो, चलो स्टेप बाय स्टेप वो भी आपको डिटेल्स दे देता हूँ, राइट। और यहाँ पर सिर्फ रहने के साथ भी बहुत एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ भी है, वो भी चलो आपको मैं बता देता हूँ, राइट। सो पहले तो इसका चलिए इस जगह का आपको इस होम स्टे का नाम बता देते हैं। होम स्टे का नाम है संग भुटिया होम स्टे। स्पेलिंग क्या है, SANGABHUTIA, संग भुटिया होम स्टे, राइट। ये होटल नहीं, होम स्टे है। इस होम स्टे का नंबर है 9083103216, ये पहला वाला नंबर है। दूसरा नंबर है 7407284791, ये दूसरा नंबर है, राइट। सो ये दोनों नंबर पर आप किसी भी कॉल करके आ सकते हो ये खूबसूरत होम स्टे और व्यू को नज़ारा लेते हुए। तो अभी आता हूँ अबाउट द खर्चा, कितना एक्सपेंडिचर होता है। भाई खर्चा बहुत ही कम है, क्योंकि ये गैंगटॉक नहीं है, ये थोड़ा सा ऑब्बिट डेस्टिनेशन है। देखो गैंगटॉक, अगर गैंगटॉक की डिफरेंट व्यू है, ये पूरी सिटी है, आर्टिफिशियल शहर है, बट यहाँ पर आकर आप रियल सिक्किम को फील कर सकते हो, यहाँ पर अगर रियल सिक्किम को एक्सप्लोर कर सकते हो बहुत ही कम खर्चे में। सो गाइज, इतना बड़ा बड़ा रूम देख रहे हो यहाँ पर, एक एक जन के लिए पर हेड, एक एक जन का, अगर एक जन आप आओगे तो आपका खर्चा बढ़ता है सिर्फ 1000 पर डे। सिर्फ रहने का नहीं, चारों टाइम आपको खाना भी मिलेगा। क्या क्या खाना, सुबह का ब्रेकफास्ट आपको मिलेगा, लूची, रोटी, आलू दम, ओके, सब्जी, ये सब मिलेगा, गोई भी चाव आपको मिल जाएगा। आपको मिलेगा दोपहर का लंच, दोपहर लंच में आपको रोटी भी मिल सकता है, राइस भी मिल सकता है जो आप खाओ, और इसके साथ दाल होगा, उसके साथ एक अलग सा भाजी सब्जी टाइप होगा, और एक कड़ी होगा, राइट, एक के ऊपर, और उसके साथ तो नमक, प्याज, ऑनियन, लंका चिली, ये सब तो मिल ही जाता है। और शाम के वक्त में इसको छोटा सा स्नैक्स भी देते हैं, स्नैक्स का मतलब गर्मा गर्म चाय और कॉफ़ी, उसके साथ पकौड़े, ऑफकोर्स इट इज़ अ वेज पकौड़े, नॉट द चिकन मटन पकौड़े, राइट। और रात में आपको मिलता है डिनर, डिनर का मेनू बोलते हैं, तो डिनर का मेनू है, दाल है, पापड़ है, और चिकन कारी है, और एक जो राइस का क्वालिटी है भाई, देहरादून राइस देते हैं, बहुत ही कमाल का, बहुत ही टेस्टी राइस है, राइट। दाल, चिकन करी, राइस, बहुत ही टेस्टी है। जस्ट सोचो सिर्फ 1000 रुपये में रहना, चारों टाइम खाना, जस्ट इज इट पॉसिबल। यहाँ जी दोस्तों, यह पॉसिबल है इस होम स्टे में। मैं सिक्किम टूर कर रहा हूँ, इस बार थोड़ा सा ऑब्बिट ट्रैवल कर रहा हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट वे में ट्रैवल कर रहा हूँ। देखो अगर आप गैंगटॉक गए हो, नॉर्थ सिक्किम गए हो, बट सिक्किम का दिल को महसूस करना चाहते हो तो आपको आना ही पड़ेगा ऐसे खूबसूरत
गांव में, जहाँ पर आपको मिलेगा सिक्किम का एकदम लोकल लोक। यहाँ पर आसपास साइट सीन बहुत है, यहाँ पर एक ममकिन एक लेक भी है, यहाँ पर एक ममकिन व्यू पॉइंट है, यहाँ पर सामने ही जाकर ममकिन एक विलेज भी है, विलेज टूर भी कर सकते हो, लोकल विलेज लोगों के विलेजर्स के साथ बात कर सकते हो। मैं तो भाई उन लोगों के जो किचन है जो जहाँ पर पकाते हैं वहाँ पर मैं ARITAR गाड़ी में लिखा हुआ था ARITAR, ये जगह का नाम है आरिटार, लास्ट में आर होगा तो प्रोनाउंसिएशन नहीं होता इसलिए सो आरिटा बोला जाता है। तो कैसे जो मैं बोल रहा था एकदम लोकल लोगों के साथ एक्सप्लोरेशन करते हुए दो दिन कैसे बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, बट यहाँ पर कैसे आओगे। सो डेस्टिनेशन इज एट गैंगटॉक, जाने का तो रास्ता सभी को मालूम है, बट आरिटा आने का रास्ता कैसे आओगे, कैसे ये सब कैसे होमस्टे को बुक करोगे तो मैं बोल दिया, बट अगर जानना चाहते हो कैसे आओगे तो पहले वाला वीडियो से देखो स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पर कैसे आया। एक ओपी ट्रेवल डेस्टिनेशन है ये, कैसे मैं किया, कुछ अलग देखना चाहता था, अलग करना चाहता था, इसीलिए देखो गैंगटॉक में तो बहुत लोग गए हो, बहुत लोगों को पता है, मुझसे भी ज़्यादा शायद आपको पता है गैंगटॉक के बारे में, बट ये ऐसी जगह है ये लोगों को कम पता है, बट इस जगह को आना चाहिए। अगर आप नेचर लवर हो, अगर आप प्रकृति से प्यार करते हो, भाई आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर तो मैं घंटों बैठकर मैं ये खुले खुले आसमान को देखकर ये नेचर को एक्सप्लोर करते हुए मैं भाई सिंपली मैं लिख सकता हूँ हज़ारों कविता, मैं लिख सकता हूँ हज़ारों म्यूज़िक। सो गाइस आई एम योर फैन ऑफ फॉन्ड ऑफ नेचर, अगर आप नेचर का लवर हो सो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो नेक्स्ट टाइम जब ट्रेवल कर रहे हो। तो गाइस चलो हो जाए आरिटा, यस माई ग्रेट फ्रेंड्स, आरिटा में आओ, एंजॉय करो। कैसा लगा ऑफ कोर्स आने के बाद इस वीडियो में आकर कमेंट्स भी करो, मैंने तो पूरा बोल दिया कैसे आ सकते हो, कैसे आप रह सकते हो इतना कम खर्चे में, और स्टेप बाय स्टेप आना पड़ेगा, डायरेक्टली भी आ सकते हो, गाड़ी अवेलेबल है, कहाँ से मिलेगा सब कुछ डिटेल्स मैंने दे दिया है पिछले वीडियोज में, वो भी थोड़ा सा देख कर समझ लो। सो गाइस ये था छोटा सा वीडियो अबाउट द होम स्टे एंड द ये छोटा सा आरिटा, ये गाँव से सिक्किम का, ये पहाड़ों का ये गाँव से। तो वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर कर दीजिए, थोड़ा मेरा मदद भी हो जाएगा। सो मेरे भाई मेरे दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो।